हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो बैंक निफ्टी लॉस आज जो है तो 36,400 पे बंद हुए, लगभग 500 पॉइंट लॉस के साथ हम लगभग 1.36% नीचे बंद हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पे हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 3.3% लॉस के साथ, लगभग 1200 पॉइंट नीचे फॉर टू वीक। और लास्ट वीक भी हमने यहाँ जो है तो लगभग 450 पॉइंट का लॉस देखा था, 1.5% नीचे बंद हुए थे, तो उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ बैंक निफ्टी अभी जो सपोर्ट लिया है जिसने, वो लिया है लगभग 50 वीक के एवरेज कह रहा हूँ। अगर हम इसके नीचे स्लिप करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी में हमें अच्छे खासे नीचे के लेवल आने की संभावना है। और उसका ही जो अभी प्राइस पैटर्न और इंडिकेटर पैटर्न है वो वही ही दिखा रहा है कि हम जो है तो धीरे धीरे नीचे के लेवल की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ एक आपको एक लॉन्गर टर्म करेक्शन देखने को मिल सकता है जिसका टारगेट लगभग 30,000 के करीब हो सकता है बैंक निफ्टी में। अभी फिलहाल के लिए जो यहाँ निचला टारगेट था लगभग 35,900 का, वो आज लगभग उसने अचीव कर लिया। आज हमने इंट्राडे में लगभग हाई से 1200-1300 पॉइंट का फॉल देखा बैंक निफ्टी में। तो ये दिखाता है कि किस तरह से यहाँ सेलिंग प्रेशर आ रहा है और यहाँ फ्रेश सेल सिग्नल भी आ चुका है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। मुझे लगता है कि कल का दिन भी बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। और यहाँ जैसे हम और यहाँ और एक बात है कि हम 200 डेज एवरेज के अराउंड है, अगर ये टूटता है तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक बड़ी सी कैंडल के साथ टूटेगा। और यहाँ हमें कल जो है तो कल के लिए 35,800 और 35,200 ये लेवल जो है तो एज ए टारगेट लेकर चल सकते हो। यहाँ आपको सेल ऑन राइज व्यू रखना चाहिए और नीचे 35,800-35,200 और डीप डाउन अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग आती तो 34,500 की भी लेवल या फिर 34,600 की भी लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अभी देखते हैं आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है तो यहाँ ब्रेकडाउन दिया है 200 आवर के एवरेज के बिलो, और ये जो है तो ये शायद मोमेंटम कल भी कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ आपको जो है तो सेल ऑन राइज व्यू रखना है बैंक निफ्टी पे। आपको जो है तो लगभग 36,500 या 36,600 के अराउंड आपको सेल करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 36,900 के ऊपर, आपका टारगेट रहेगा पहला टारगेट 35,800, उसके बाद में 35,200। और ये जो टारगेट है ये इस हफ्ते आ सकते हैं, तो आपको कम से कम ये 1-3 दिन के व्यू से लेकर चलना पड़ेगा। आपका स्टॉप लॉस सेम रहेगा 36,900 के ऊपर, और जो आपको एंट्री करनी है वो 36,500-36,600 के अराउंड करनी है। 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आपको जो टारगेट मिल रहे हैं लगभग 7-800 से लेकर 1200-1300 पॉइंट तक है, तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है। 1:3 तक रिस्क रिवॉर्ड बैठता है, तो एक अच्छी खासी ट्रेड है। और मुझे लगता है जिस तरह से हम आज टूटे हैं तो ये सेलिंग शायद कल भी आपको जो है तो कंटिन्यू होते हुए देखेगी। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली आपको एक अच्छा खासा पैनिक मार्केट में सेलिंग थ्रू आते देखेगा। यहाँ आपको इसलिए बेरिश रहना है, ट्रेंड के साथ ही जाना है। और यहाँ आपने देखा कि आवरली चार्ट पे हम 200 आवर के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और मेजर डेली और वीकली चार्ट पे भी एक मेजर एवरेज के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। अगर वो टूटेगा तो एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ ही टूटेगा, अगर उसको टूटना है तो आपको यहाँ अच्छा खासा प्राइस मोमेंटम और प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा मोस्टली ऑन डाउन साइड। मेरा व्यू बेरिश ही रहेगा, मैं मोस्टली सेल ऑन राइज व्यू रखूँगा। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 36,900 के ऊपर रहेगा, टारगेट मेरे फिक्स है 35,800 से लेकर 35,200, और डीप डाउन शायद हमें 34,600 के भी टारगेट आपको शायद इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो एक अच्छी खासी गिरावट आपको आने वाले समय में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड के साथ रही है या वॉलीटिलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है, दोनों तरफ के बड़े मूव आएंगे, मगर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। रिस्क छोटी रखनी है और जो टारगेट है वो बड़े रखने हैं। और यहाँ जो है तो मोस्टली ऑन शॉर्ट साइड ही रहना है आपको। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो उनके लिए सलाह रहेगी कि आप जो है तो इन द मनी पुट ऑप्शन लेकर चले, तो 36,900 का पुट ऑप्शन जो है तो उस पर फोकस करने की आपको सलाह रहेगी। उस पर हम फोकस करेंगे, उसको डिप्स पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा अगर फ्यूचर जो है तो 900 के ऊपर चला जाता है तो हम जो है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस हो रहा होगा वो लेकर निकल जाएंगे। और अगर बैंक निफ्टी 35,800-35,200 तक जाता है तो उसमें आपको 2x प्लस गेन देखने को बिल्कुल मिलेंगे उस ऑप्शन में, तो आपको फोकस करना है 36,900 के पुट ऑप्शन पे।
और यहाँ जो है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है तो डाउन साइड पे ही मूव आने वाले समय में बैंक निफ्टी में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेगा। तो आपको ट्रेंड के साथ रहना है या स्ट्रैटेजी रहेगी सेल ऑन राइज। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना है विद लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलो, तो आप मेरा जो प्रीमियम सर्विस है उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.